गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, मैं अर्चना कुमारी राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे की और की में अंतर। कल कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था कि मैम की और की में क्या अंतर है। लिखते वक्त बहुत सारे गड़बड़ होते हैं, लिखते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं इसकी वजह से। वजह यह है कि हमें इसकी सही जानकारी नहीं है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं की और की में अंतर। हर्ष ई वाली की और दीर्घ ई वाली की, जिसको आप लोग छोटी ई और बड़ी ई वाली की कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि और की में क्या अंतर होता है। आइए बच्चों हम लोग जानते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है हर्ष ई वाली की और दीर्घ ई वाली की में अंतर। सबसे पहले आइए छोटी ई वाली की, जिसको आप लोग छोटी ई वाली की, हर्ष ई वाली की, इसका प्रयोग कहाँ होता है। वाक्य को जोड़ने का काम जो है ये हर्ष ई वाली की करती है। वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करती है हर्ष ई वाली की, जिसको आप लोग छोटी ई वाली की कहते हैं। ये देखिए वाक्य को और उपवाक्य को जोड़ने का काम करती है। उदाहरण देखिएगा, उसने कहा कि, ये देखिए उसने कहा कि मैं कल आऊंगा। यहां देखिए दो वाक्य हैं, पहला उसने कहा और मैं कल आऊंगा। तो इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम क्या कर रही है, हर्ष ई वाली की कर रही है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, वह घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई। ये देखिए कि वर्षा शुरू हो गई, तो ये हर्ष ई वाली की का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों। वाक्य या वाक्यों को जोड़ने का काम हर्ष ई वाली की करती है। अब आइए दीर्घ ई वाली की में क्या है। करना का भूतकालिक रूप जो होता है की होता है, तो की का प्रयोग इसमें किया जाता है। देखिए उदाहरण स्वरूप, उसने कल लड़ाई की, तो ये और ये, इससे पता चलता है ये भूतकालिक रूप में है। तो यहां भी दीर्घ ई वाली की का प्रयोग होता है। इसके अलावा दीर्घ ई वाली की का प्रयोग एक जगह और आया। आप लोगों ने कारक पढ़ा है ना बच्चों, कारक के आठ कारक हैं और उसके विभक्ति चिन्ह भी हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है जी और, इस तरह करके कारक आठ हैं और उनके विभक्ति चिन्ह। तो उसमें जो संबंध कारक है और उनके चिन्ह हैं, संबंध का के की। अब देखिए हम वहां यहाँ उसी चीज को बता रहे हैं। ये देखिए संबंध कारक, ध्यान दीजिए संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो का, की, के। तो ये का और के जो है ये पुल्लिंग रूप में है, और ये दीर्घ ई वाला की जो है आपका ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग वाक्यों में करते हैं, किसलिए करते हैं, संबंध बताने के लिए। तो दीर्घ ई वाली की का प्रयोग क्या होता है, वाक्यों में संबंध बताने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए शिवम की किताब खो गई। ये देखिए शिवम और किताब के संबंध है आपस में, और इसलिए यहाँ दीर्घ ई वाली की का प्रयोग हुआ है। शिवम की किताब खो गई, किसकी किताब है, शिवम की किताब है। तो शिवम और किताब में और शिवम में संबंध है ना, तो यहाँ पे शिवम और किताब के संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग दीर्घ ई वाली की का प्रयोग किए हैं। इसके अलावा भी उदाहरण है, चलिए अब मैं इसको इरेज करती हूँ। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और दूसरा उदाहरण थे। यहाँ पे आप लोग समझ गए कि हर्ष ई वाली की का प्रयोग कहाँ होता है,
वाक्य या उपवाक्य को जोड़ने का काम करती है। दूसरा दीर्घई वाली की का प्रयोग करना का भूतकालिक रूप और वाक्य में संबंध शब्दों में संबंध बताने के लिए, जहां संबंध दर्शाया जाता है या संबंध को बताना होता है वहां हम दीर्घ ई वाली की का प्रयोग करते हैं। आइए दूसरा उदाहरण जानते हैं, इसको इरेज करके दूसरा उदाहरण लिखते हैं। अब आइए एक और उदाहरण लेते हैं। ये देखिए मैंने वाक्य लिखा है, दीपू की बहन दिल्ली गई। किसकी बहन गई है? दीपू की बहन। तो यहां पर देखिए दीपू और बहन में एक संबंध जुड़ रहा है और इस संबंध को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दीर्घ ई वाली की। तो यहां पर हम समझे कि संबंध को जोड़ने का काम कौन करती है? दीर्घ ई वाली की। और आप देखिए हम एक उदाहरण देखेंगे जिसमें हर्ष ई और दीर्घ ई दोनों का साथ में प्रयोग हुआ है, तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। एक उदाहरण देखिए यहां। यह रोहन की किताब है और मुझे मालूम है कि तुम इसे चुराने आए। ये दोनों का प्रयोग साथ में हुआ। तो बच्चों आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि हर्ष ई वाली की और दीर्घ ई वाली की का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि आगे आपसे ऐसी गलतियां हर्ष ई वाली की और दीर्घ ई वाली की में जो समस्या होती है आपके साथ वो कभी नहीं होगी। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। कल मैं कोई और वीडियो आपको प्रेजेंट करूंगी, यहाँ पर आपकी समस्याओं को दूर करूंगी। धन्यवाद।